हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज आम नवम श्रेणी हाफली एग्जामिनेशन पिला तुम सोशल साइंस रो प्रश्नपत्र डिस्कशन करवा जोटा कि तुम क्वेश्चन रोचे 50 और समय 1 घंटा है फुल मार्क 50। चलो प्रश्नपत्र आड़ जा प्रश्नपत्र जबार खाली गोटे रिक्वेस्ट करीडियो को शेष पर्यटन देख एवं जो प्रश्नपत्र डिस्कसन करवा तुमको निश्चित भाव हेल्पफुल हो तुम एग्जाम आडियोटा को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करवा भूल ना। देख पाने प्रथम प्रश्न रही कौन देख अठारे भारत मूल भूखंड केते समीक्षा रेखा मध्य अवस्थित 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर एवं 37 डिग्री 7 मिनिट उत्तर समीक्षा रेखा मध्य एनसर टे कहीदे ऑप्शन ए हम तुम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर टी हे 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर एवं 37 डिग्री 7 मिनिट उत्तर समीक्षा रेखा मध्य। देख द्वितीय प्रश्न रही कौन देख द्वितीय प्रश्न जूम कर पाने क्यों दृष्टिकोण भारत दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण देश क्यों दृष्टि राजनैतिक दृष्टि ना अर्थनैतिक दृष्टि ना सामरिक दृष्टि ना सांस्कृतिक दृष्टि दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण क्यों दृष्टि तुम एनसर टे पाने तुम सामरिक दृष्टि मन रखा सामरिक दृष्टि भारत हो तुम एक महत्वपूर्ण देश दक्षिण एशिया। पांजियार दक्षिण भाग को कौन कह जाए पांजियार दक्षिण भाग कौन कह जाए आंगाराल्यांड ग्रीनलैंड गंडवानालैंड ना ऑस्ट्रेलिया तार एनसर टे पाने गंडवानालैंड है ऑप्शन हम तुम ऑप्शन सी हे ऑप्शन सी गंडवानालैंड हे। तापर देख दुईटी नदी मध्यस्थ समतल अंचल को कौन कह जाए द्वीप ह्रद त्रिकोण भूमि ना दियाप यार आंसर टे पाने दियाप मन रखा दियाप। तापर परवर्त प्रश्न देखा शिल्प विस्फोरण और बेसामरिक संघर्ष कहार अंतर्भुक्त प्राकृतिक संपद सरी प्राकृतिक विपत्ति मनुष्यकृत विपत्ति दुर्घटना ना विपर्जय आंसर हम पाने मनुष्यकृत विपत्ति मन रख है। देखा षष्ठ प्रश्न निर्मुक्त मध्य क्योंटा एक आकस्मिक घटना आकस्मिक हटात होता है सुनामी भूमिकंप आग्नेय उद्गीरण ना प्रबल बन्या यार आंसर है पाने भूमिकंप आकस्मिक घटना अटे। शिलम क्यों राज्यर राजधानी शिलम नागालैंड मणिपुर मेघालय ना मिजोराम देख पाने नागालैंड राजधानी हूँ कौन कोहिमा मणिपुर इम्फाल है मिजोराम आइजोल किंतु मेघालय शिलम से आंसर टेब ऑप्शन सी। क्यों नदी सज्जारे डुडुमा जलप्रपात अच्छी क्यों नदी सज्जारे बैतरणी वंशधारा ऋषिकुल्या ना माछकुंड आंसर टेब पाने माछकुंड। तापर देखा नवम प्रश्न गंजाम जिलार छत्रपुर सहर निकट में क्यों ह्रद अवस्थित छत्रपुर ठारे क्यों ह्रद अच्छी तुम क्यों ह्रद अच्छे पे तुम पाट आंसर हम तुम पाट मन रहा। तापर देख के मौसुमी वायु दिल्ली में पहुँची थाए मौसुमी वायु के जून 10 जून 15 जून 20 ना जून 29 आंसर हम तुम जून 29 ऑप्शन डी। क्यों ऋतु मार्च मस रु मे मस पर्यंत हुए क्यों ऋतु तुम आम समस्त जाने मार्च रु मे हूँ ग्रीष्म आमर छुट्टी हुए ग्रीष्म छुट्टी हुए है भारत क्यों समुद्र उपकूल अच्छी पूर्व पश्चिम दक्षिण पश्चिम ना दक्षिण पूर्व आंसर टेब तुम पूर्व भारत अच्छी ना तुम देख भारत ये भारत है बोले आम ओडा क्यों अच्छी पूर्व एटार पूर्व हे से बुझिपार। तापर देख परवर्त प्रश्न आम देश नानाविध प्राकृतिक वैचित्र्य परिपूर्ण कारण यार निर्मुक्त मध्य क्यों दुईट उपादान विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न जलवायु जनवसति जातीय भाषा खाद्यपेय और पोशाक अर्थनीति संस्कृति तार आंसर पाने आमर विभिन्न जलवायु और जनवसति हम आंसर। तापर देखा 14 नंबर प्रश्न क्यों नदी हिमालय पूर्व सीमा निर्धारण करे हिमालय पूर्व सीमा निर्धारण करे ब्रह्मपुत्र है ब्रह्मपुत्र जोटा कि तुम बांग्लादेश कौन कह जाए ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश मन रख जमुना बोली कह जाए मन रख पाने मन रखी था जमुना बोल कि तुम कह जाए आई गंगा को कौन कह जाए गंगा को कौन कह जाए पद्मावली कह जाए बांग्लादेश निर्मुक्त मध्य क्यों अधिक क्षतिकारक अटे विपत्ति दुर्घटना वित्पात
ना विपर्जय? आंसरटा पे मैंने विपर्जय, प्राकृतिक विपर्जय बा मनुष्यकृत विपर्जय। निम्नोक्त मध्य के उपह्रद नुहे, उपह्रद नुहे, चिलिका, पुलिकाट, कुलेरु, आराल। आंसरटे पे मैंने आराल, आराल हूँ गोटे उपह्रद नुहे। तापर देखिबा तुमर सतर नंबर प्रश्न कौन रही देखिबा पिला माने, निम्नोक्त मध्यरो केउटी आम देशर सीमा को स्पर्श करू नाही? भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान ना नेपाल? देखो ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान होजे तुमर सेंट्रल इंडिया हैला। भूटान तो लागी धरि दियो, मु मानचित्र काटी के तुमको बुझी दउछि, ला भलो भाबे तुम बुझी जइबो। देखो धरि दियो ए तुमर भारत मानचित्र धरि दियो, एठारे तुमर अछि कोन भूटान, एठारे अछि तुमर नेपाल, एठारे अछि तुमर बांग्लादेश, किंतु ताजिकिस्तान केउटे रहि जइ? ताजिकिस्तान एठारे अछि, ताजिकिस्तान। तापर तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, एगुड़ाक सेंट्रल इंडिया देश गुड़ाक, सेंट्रल एशिया सॉरी। क्यों समतल भूमि अधिक दुआब देखा जाए? दुआब देखा जाए पंजाब, गांगेय, ब्रह्मपुत्र ना पूर्व उपकूलवर्ती? तुम आंसर हम पंजाब, पंजाब को मन रख है, पंजाब को तुम मन रख। देख परवर्ती प्रश्न, परवर्ती प्रश्न तुम पलि आसा अर्थनीति आड़क है। क्यों देशर मुंड पिछा आय 4390 डॉलर? वेरी इंपोर्टेंट, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ना नेपाल? तो 19 आंसर हम पाने श्रीलंका है, श्रीलंका। तापर देख उत्पादन और उपभोग तारतम्य को कौन कह जाए? उत्पादन एवं उपभोग तारतम्य को तुम्हें कौन कह, संचय तो कह ना, संचय हम आंसर। तापर देखिबा 21 नंबर प्रश्न, जापान देशर अर्थव्यवस्था को क्यों अर्थव्यवस्था कहते? जापान देशर अर्थव्यवस्था क्यों अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत, समाजवादी, मिश्रित ना पूंजीवादी? जापान पिला माने पूंजीवादी, से माने होजंती कौन विकसित देश, भारत हो गोटे कौन विकासोन्मुखी, से जापान को पूंजीवादी देश, कैपिटालिस्ट कंट्री बोली कह जाए थाई। तापर देख तुम आसी टी लॉन्ग प्रश्न अच्छे कौन देख पिला माने, द्वितीय विश्वयुद्ध पर पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे जो आर्थनैतिक परिस्थिति जटिल और मंदा अवस्था पहुँची थे कौन कह जाए? विश्वयुद्ध बहुत क्षय क्षति होती, विश्व मंदा अवस्था ना महामंदा, महामंदा देखिए ना तुम महामंदा है। तापर देखिबा तुम 23 नंबर प्रश्न, हिमालय अर्थ कौन? हिमालय अर्थ कौन? हिमालय अर्थ हो बरफर घर, उच्चतम प्रवसणी होने पे बरफर घर है, बरफर घर। तापर देखिबा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब महिला माने क्यों गोष्ठी गठन कर टंका पैसा संचय ऋण कर? स्वयं सहायक गोष्ठी, स्वयं सहायक, देखो ऑप्शन ए रे अच्छी तुम स्वयं SSG, SSG माँ माने मध्य करी स्वयं सहायक गोष्ठी। तापर देखिबा अधुना मुद्रा गुड़िक क्यों धातुर निर्मित होउछि? अधुना, अधुनार पिला माने तुमर आंसर हम कौन निकेल, ऑप्शन सी हम है। ये तो गला तुम भूगोल अर्थनीति, एवं देखा इतिहास ख विभाग तुम आसीगला, देख इतिहास और राजनीति विज्ञान। वर्ण वैषम्य नीति क्यों देश में अधिक प्रचलित था? दक्षिण आफ्रिका, घाना, इथियोपिया ना मलेशिया? दक्षिण आफ्रिका बोला। तापर देख प्रथम भारत सहित तो क्यों यूरोपीय जाति वाणिज्य करने प्रथम जोटा कि तुम के 1498 रे किए आसी बास्कोडागामा आसी, बास्कोडागामा आसी ना ना 1498 रे जो कि तुम पोर्तुगीज हम आंसर है, 27 सी हम। तापर देख आउ कह 28 ब्लैक हैंड गुप्त संगठन क्यों देश में था? ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड क्या सर्बिया, ऑप्शन बी रे तुम सर्बिया देला, ब्लैक हैंड तुम सर्बिया। तापर देख विदेश को घुसुरी रप्तानी करने क्यों देश एक प्रधान व्यवसाय था? व्यवसाय थिला सर्बिया, ऑस्ट्रिया, हंगेरी ना रोमानिया? तुमर हम सर्बिया मन रख है, सर्बिया। तापर देखिबा क्यों ख्रीटाब्द में रूस जापान ठार परास्त होता? रूस जापान परास्त होता 1904 ना ना, ऑप्शन ए रे दीजिए तुम 1904। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न, व्लादिमीर लेनिन क्यों दल नेता थे? खाली लेनिन दीजिए पूरा नाम हूँ कौन व्लादिमीर लेनिन, क्यों दस क्यों दलर नेता थी? मेनसेविक, बोलसेविक, साम्यवादी ना समाजवादी? अरे तुम बोलसेविक दलर नेता थी है, व्लादिमीर लेनिन थे कौन बोलसेविक दल मन रख। तापर देख 32 नंबर प्रश्न,
ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଆଭେନଲ ଏରିକ୍ ଜୁମଣ୍ଡ ଲେଷ୍ଟର ନା ୱିଲିୟମସନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମର ହେବ ଏରିକ୍ ଜୁମଣ୍ଡ ହେଲା ୱିଲିୟମସନ୍ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ କହିବ ନାହିଁ ହେଲା 1949 ମସିହାରେ ଫିନଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଜାତିସଂଘ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା କାହାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଆରେ ରୁଷିଆକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ହେଲା USSR ତୁମର ରୁଷିଆ ଦେଇଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆ USSR ହେଲା ମନେ ରଖ ତାପରେ ଦେଖ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କେବେ ରୁଷିଆର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତ ଆଣିଥିଲେ 1961 ମସିହା ତାପରେ ଦେଖିବା 35 1928 ମସିହାରେ କିଏ ରୁଷରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ରୁଷରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଜୋସେଫ୍ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ହେଲା ଜୋସେଫ୍ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ବିନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଇଟାଲୀର କେଉଁ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁ ସହରରେ ତୁମର ରୋମାନା ହେଲା ତୁମର ରୋମାନା ସହରରେ ମନେ ରଖ ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ହେଲା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ କହିଲେ ଅଟୋକ୍ରେସି ଅଟୋକ୍ରେସିକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ କେଉଁ ଦେଶମାନେ ଜର୍ମାନୀ ଇଟାଲୀ ନା ଜାପାନ ନା ରୁଷିଆ ଏଇଟା ଇଟାଲୀ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଡ଼ ତା'ର ଇଟାଲୀ ହେଲା ଇଟାଲୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଇଟାଲୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆନ୍ସାର୍ଟି ହେବ ତୁମର ରୁଷ USSR ତାପରେ ଦେଖ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାଙ୍କୋ କେଉଁ ଦେଶର ସହିତ କହିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାଙ୍କୋ କେଉଁ ଦେଶର ତୁମର ସ୍ପେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ତାପରେ ଦେଖ 1948 ହେଲା ତାପରେ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଇଥିଲା 26 ତାରିଖରେ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ହେଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ଅଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ୍ତର ରେଖାକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସୀମାରେଖା ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା କେତେ ତୁମର ହେବ 38 ଡିଗ୍ରୀ ମନେ ରଖ 38 ଡିଗ୍ରୀକୁ ମନେ ରଖ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 1906 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିସ୍ତାରଣ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିଲା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଲଜେସିରାସ୍ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମାଜର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ଏଇଟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଲା ରୁଷ ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଜାପାନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଜାପାନ କି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଜାପାନ କବଳରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କ'ଣ କରିଥିଲା ହିରୋ ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ନା ବୋମା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମନେ ରଖ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ତାପରେ ଦେଖିବା 44 ଆମ୍ନିଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସଂସ୍ଥାଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ବେକାର ବୃଦ୍ଧ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଧାରା 40ରୁ 43 ଧାରା 41ରୁ 45 ଧାରା 41ରୁ 43 ନା ଧାରା 42ରୁ 44 ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର ଧାରା 41ରୁ ଧାରା 43 ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମର 46 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଭାଗରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ନା ଷଷ୍ଠ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର ଚତୁର୍ଥ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମର ହେବ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେବେ ଯୋଗ ହୋଇଛି କେବେ ହେଇଛି ତୁମର ଆମର ଏବେ ହେଇଛି ନା 2010ରେ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ହେଇଛି 2010 ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହି ଦିନରେ ହିଁ ହେଇଛି ଆମ ଦେଶର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି ଭାରତର ସଂସଦର ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲିରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ